विधानसभा से एक साल के लिए निलंबित 12 भाजपा एमएलए ने एसटी में दी चुनौती। फडणवीस ने आरोप को बताया झूठा। युवाओं को लुभाने में जुटी योगी सरकार, 58,189 पंचायत सहायक पद पर भर्ती का किया ऐलान। मिशन 2022 के लिए कांग्रेस ने उतारी सेना, खेमे जाति और क्षेत्रीय समीकरण साधने का प्रयास। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर तोड़फोड़, पार्टी का आरोप, केजरीवाल के गुंडों ने किया हमला। बाल सेवा योजना का आज होगा शुभारंभ, 176 बच्चों को सीएम योगी देंगे आर्थिक सहायता। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी भारती समाचार, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का बड़ा दावा किया है। डिप्टी सीएम के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीट जीतेगी, चाहे सारे विरोधी एक तरफ हो जाएंगे तब भी 100 में से 60% उनका है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी उनका है। बंटवारे के अंदर की बात का खुलासा कर बोले येदुवंशी और रविदास वंशी, सब उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि 70 सालों में जो विकास कौशाम्बी का नहीं हुआ, अब वो 7 सालों में करके दिखाया है। बृहस्पतिवार को उन्होंने अपने गृह जनपद में 5 अरब से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें यमुना नदी पर पुल, 3 रेलवे ओवरब्रिज, 1 व्यू कटर व 163 सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। 3 अलग अलग तहसीलों में आयोजित कार्यक्रम में अफसरों ने व्यापक तैयारियां कर रखी थी। प्रदेश सरकार के माध्यम से हम लोगों ने किया है, अभी तो ये झांकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गठबंधन के साथ आगामी विधानसभा में 350 सीट। देखिए, मैं अखिलेश जी के दावे पर, क्योंकि वो दावा 2014 में भी किए थे, 2017 में भी किए थे और 2019 में भी किए थे, लेकिन उनके दावे फेल हुए। लेकिन मैं जो दावा कर रहा हूँ उसको आप ध्यान रखिए, 2022 में भारतीय जनता पार्टी फिर से 300 से अधिक सीटें जीतेगी, चाहे सारे विरोधी एक पक्ष में हो जाएंगे तब भी 100 में से 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। और आप जैसे तमाम पत्रकार मित्र जो पूछते हैं बंटवारे में क्या है, तो मैं ये अंदर की बात है, यदुवंशी और रविदास वंशी सब हमारे साथ। खबर है उत्तर प्रदेश के एटा से, जहां 28 जुलाई तक चलने वाले प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आरटीओ कार्यालय में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आरटीओ प्रशासन क्षेत्र अधिकारी यातायात नगर एसडीएम सदर ने यातायात जागरूकता प्रचार प्रसार हेतु वैन को हरी झंडी दिखाकर विधिवत शुभारंभ किया। क्षेत्र अधिकारी नगर ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि सुरक्षित जीवन के लिए सुरक्षित यात्रा आवश्यक है, यातायात के नियमों का पालन करते हुए यात्रा करें। इस अवसर पर आरटीओ प्रशासन ने भी जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यातायात के नियमों का पालन करने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान यातायात प्रभारी श्री बचान सिंह, मुख्य अतिथि यातायात सर्वेश कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। हमेशा डिसबैलेंस जब मोटरसाइकिल होती है तो वो एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण होती है। अपने साइड से चले, चौराहे पे हमेशा ब्रेक लेकर चले, चौराहे पे बिना देखे दाएं बाएं और सीधे निकाल देना एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण होता है। जब मोड़ आए तो उस पर भी अपने ब्रेक लेके गाड़ी निकाले। जो ब्लाइंड मोड़ होते हैं, हमारे ब्लैक स्पॉट भी बने हैं जिले में, ब्लाइंड मोड़ पे हमेशा गाड़ी को स्पीड धीमा करके निकाले, पता नहीं लगता आगे से क्या आ रहा है। जो फोर व्हीलर चलाते हैं उनके भी सीट बेल्ट भी बनाएंगे। सीट बेल्ट से बहुत, मैं विस्तार से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, सीट बेल्ट का बहुत उपयोग है। जब एक्सीडेंट होता है तो आदमी निकल के नहीं जाता, और सामने का जो फेस है वो आपका टकराने से बच जाता है, काफी कैजुअलिटियां होने से बच जाती है। खबर है उत्तर प्रदेश के आगरा से, आगरा में अपराधियों के प्रति आगरा पुलिस की चल रही कार्रवाई को लेकर अपराधियों में खौफ देखने को मिल रहा है। मणपुरम गोल्ड फाइनेंस शाखा में हुई डकैती और फिर ट्रांस यमुना के वरिष्ठ चिकित्सक के अपहरण का मामला हो, दोनों ही मामलों में पुलिस की अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में बदमाश ढेर हो गए। पुलिस की इस कार्रवाई से घबराकर बुधवार को मणपुरम गोल्ड फाइनेंस की डकैती में शामिल प्रभात ने कमलानगर थाने पर सरेंडर किया था, तो वहीं चिकित्सक के अपहरण के मामले में आगरा पुलिस की सुबह ही अपहरण कांड को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी बदन सिंह और उसके साथी के साथ मुठभेड़ हुई थी।
जिसमें 1 लाख का इनामी बदमाश बदन सिंह और उसके साथी मारे गए। अभियुक्त भोला ठाकुर ने पुलिस अधिकारी के सामने अपना जुर्म कबूला और बताया कि किस तरह से वो इस अपहरण कांड में शामिल था। पुलिस की कार्रवाई के डर के चलते सरेंडर कर रहा है और भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा नहीं करेगा। पिछले सप्ताह 11:14 रात में डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का अपहरण हुआ था, उसका केस डॉक्टर 15 तारीख में डॉक्टर साहब का पुलिस के टीम ने रेस्क्यू किया था। अपना कॉम्बिंग ऑपरेशन करके अपराधी के ऊपर दबाव बनाकर उनके रेस्क्यू करा के और 2 लोगों की गिरफ्तारी कराया था। उसी से कई अपराधी लोग का नाम प्रकाश में आया था। उसी के आधार पर पुलिस ने हमने कई टीम गठित किया और कई लोग के रिवार्ड भी इनाम भी घोषित किया। और उसी में एक अपराधी है भगवान उर्फ बोला, ये निबोरा का रहने वाला है। ये कल रात हमारा थाना एहतमत तौला के एसएचओ के सामने आ के उन्होंने अपने आप आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने ये बताया था हमारा परिवार का और पुलिस का दबाव इतना था, चारों तरफ पुलिस हमको घेरा कर चुके हैं और इसीलिए हम स्वयं आके हम आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। साथ साथ उन्होंने इस घटना के बारे में उन्होंने खुद बताया कौन कौन घटना में शामिल था, कैसे घटना किए है और बाकी अपराधी लोग कौन है उसका पूरा सबको उन्होंने नाम बताया था। और उन्हें खुद समर्पण करके उन्होंने उस घटना का उन्हें अपने आप उस घटना में किडनैपिंग घटना में शामिल के बारे में उन्होंने बताया था। भोला का रोल क्या था पूरी वारदात में सर, जो समर्पण किया भोला ने इसका रोल क्या था इस पूरी वारदात में? इस पूरी वारदात में उनके ये है बस भोला का जो घटना का दिन पीछे पीछे आना है मोटरसाइकिल से और बात में जो डॉक्टर साहब का वॉच करना था और कहाँ वहाँ पर उनको उठाना था उस जगह उठा लिया उन्होंने डॉक्टर साहब का। तो उठाने के बाद उस गाड़ी में बैठ के वहाँ जाके शिफ्ट कराया था। वहाँ से शिफ्ट करने के बाद जो जंगल में भेड़ छत्र में लेके गया था वहाँ रख के उनका लगातार जो अपराधी सभी लोग इसका जो डॉक्टर साहब का बंधक बना के रख के उनका देख रहा था, किडनैपिंग जो उसका करोती मांगने के लिए वेट कर रहा था। सभी लोग भेड़ छत्र में जाकर बदल बदल के उनका पूरा एकदम आर्डर लेके सब लोग इंतजार कर रहा था। ये पूरा घटना में पूरा यहाँ से जनपद आगरा से किडनैपिंग करते करके वहाँ पर धौलपुर में भेड़ में जाकर रख संभल छत्र में रखने तक इनका पूरी रोड इस घटना में उनका बदमाशों के संपर्क में कैसे आ गया। इस खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली जिले में निजी मान्यता प्राप्त प्राइमरी तथा जूनियर विद्यालयों के संचालकों की समस्याओं को समाधान करने हेतु बेसिक शिक्षा कल्याण समिति का गठन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश पाठक तथा प्रदेश महासचिव राजीव यादव के अलावा लोगों को पदाधिकारी बनाया गया है। संस्था का मेन उद्देश्य स्कूल संचालकों की समस्याओं को लेकर शासन स्तर तक पहुंचाना। कोरोना काल के चलते पिछले 15 माह से स्कूल बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से संचालक आर्थिक तंगी के तौर से गुजर रहे हैं। सरकार इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। स्कूल के खर्चे स्कूल संचालकों को उठाने पड़ रहे हैं और संचालक रोटी को मोहताज हो गए हैं और अभिभावक संचालकों को फीस देने में कतरा रहे हैं। बेसिक शिक्षा समिति कल्याण समिति जो हमने बनाया है उसमें सभी लोगों का समावेश है। स्कूलों के हितों की रक्षा करना है, उनके स्टाफ की रक्षा करना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है और साथ में जो हमारे इस समिति के विद्यालयों के जो विशेष अंग हैं अभिभावक जिसे कहते हैं। देखिए बिल्डिंग बनाने से कोई विद्यालय का रूप कोई बिल्डिंग नहीं है। जब तक अभिभावक उसमें अपने बच्चे नहीं भेजेगा तब तक वो विद्यालय नहीं कहलाएगा। तो स्कूल और अभिभावक एक सिक्के के दो पहलू हैं। समाज में हम भी रहते हैं वो भी रहते हैं, हमारे ही बच्चे कहीं पढ़ते हैं। अभिभावक का उतना ही योगदान है विद्यालय में जितना कि विद्यालय संचालन का। सबसे पहले हमारी जो लड़ाई है सरकार से है, लगभग 2 साल हो चुके और सरकार ने अभी तक स्कूल खोलने का कोई भी प्रोग्राम कोई भी नियम नहीं बनाया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।